हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवांग भारद्वाज। एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की वीडियो। इसमें 10 नहीं, इसमें 15 महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 160 तक आप मेरी पुरानी वीडियोज में देख चुके हैं, और इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा PDF फाइल का लिंक, जो कि आगे आने वाली वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको ऐसी ही PDF फाइल्स मिलती रहेंगी। तो ऐसी और PDF फाइल्स पाने के लिए हम ऐसा और भी ज़्यादा वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 161 से। नट वोल्ट के निर्माण हेतु निम्न में से कौन अच्छा है? यानी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ तरह के आयरन दिए गए हैं, उनमें से नट वोल्ट के निर्माण हेतु कौन सा सबसे अच्छा रहता है? तो नट वोल्ट के निर्माण के लिए जो सबसे अच्छा रहता है वो होता है रॉट आयरन। रॉट आयरन से नट वोल्ट जो बनते हैं वो सबसे ही अच्छे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 है, भारत में उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर में नहीं होता, यानी भारत में जो ट्रैक्टर उपयोग किए जाते हैं उनमें क्या नहीं होता है? तो भारत में उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर्स में कार्बोरेटर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 163 है, परिवर्तनीय भार स्थितियों में इंजन की गति को स्थिर बनाए रखने हेतु इंजन में क्या प्रावधान होता है? जब हम किसी इंजन से कार्य करते हैं तो उसका भार बदलता रहता है, उसकी गति, जब भार बदलेगा तो उसकी गति में भी अंतर आता रहता है। तो अगर भार बदलने की स्थिति में भी हम इंजन की गति को स्थिर बनाए रखना चाहते हैं तो इंजन में जो युक्ति प्रयोग की जाती है उसे गवर्नर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 है, निम्न में कौन सा भाग इंजन के पिस्टन से नहीं जुड़ा होता है? जो फ्लाई व्हील होता है वो पिस्टन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ होता है। इंजन का जो फ्लाई व्हील होता है वो पिस्टन से डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, बल्कि दूसरे पार्ट्स के जरिए पिस्टन से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 165 है, आयतन की दृष्टि से 24 घंटे में जल शोषण सबसे अधिक होता है, यानी आयतन की दृष्टि से 24 घंटे में सबसे अधिक जल शोषण किस में होता है? तो चूना एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सबसे अधिक जल शोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 166 है, सीमेंट में जब पानी मिलाया जाता है तो क्या होता है? जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो सीमेंट से ऊष्मा निकलती है, यानी सीमेंट में पानी मिलाए जाने पर सीमेंट से ऊष्मा का प्रवाह यानी ऊष्मा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 167 है, 167 क्वेश्चन नंबर है, सबसे कमजोर कंक्रीट होगी, कोई भी निर्माण कार्य हम जब करते हैं तो उसमें कंक्रीट और रेत वगैरह का, हम रेत का, कंक्रीट का, सीमेंट का एक अनुपात बनाते हैं, तो सबसे कमजोर कंक्रीट कौन सी होगी? तो सबसे कमजोर कंक्रीट जो है वो 1:5:10, 1:5:10, ये कंक्रीट सबसे कमजोर कंक्रीट होगी, क्योंकि इसमें जो रेत है उसका आयतन सबसे अधिक है, इसलिए ये सबसे कमजोर कंक्रीट होगी। क्वेश्चन नंबर 168 है, हल्के डीजल ऑयल का विशिष्ट घनत्व होता है, जो हल्के डीजल ऑयल होते प्रयोग किए जाते हैं उनका विशिष्ट घनत्व 0.92 यानी 0.92 होता है। क्वेश्चन नंबर 169 है, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यानी अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? तो वो है भूतापीय ऊर्जा स्रोत, पवन ऊर्जा स्रोत, जैव ऊर्जा स्रोत और सूर्य ऊर्जा स्रोत। ये अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि इनसे सामान्य तौर पर हम ऊर्जा का उपयोग इनकी नहीं कर पाते हैं। इनकी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हमें किन्हीं विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 170 है, भारतवर्ष में उष्ण चावल ज़्यादातर उत्पादन एवं उपभोग किया जाता है किन क्षेत्रों में? यानी कि भारतवर्ष में उष्ण चावल ज़्यादातर किन क्षेत्रों में उत्पादन एवं उपभोग में लाया जाता है? तो उत्तर है पूर्वी क्षेत्रों में। पूर्वी क्षेत्रों में उष्ण चावल का उत्पादन और उपभोग दोनों ही अधिक मात्रा में किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी भारत में जो मुख्य स्रोत ऊर्जा का है वो क्या है? कोयला। कोयला भारत में सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसलिए ये मुख्य स्रोत बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 172 है, बायो इथेनॉल मुख्य रूप से किसके खमीरीकरण यानी फॉर्मेंटेशन से प्राप्त होता है? जो बायो इथेनॉल हमें प्राप्त होता है
वो गन्ना का मोलेस, यानी गन्ना का जो मोलेस होता है उसके खमीरीकरण यानी कि फर्मेंटेशन के द्वारा हमें बायो इथेनॉल का प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 173 है, अधिकांश खाद्य अनाजों में मुख्यता होता है। तो जो अधिकांश खाद्य अनाज होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पाया जाता है। तो दोस्तों ये सेट नंबर 4 के क्वेश्चन आज समाप्त हुए हैं। आगे मैं और सेट नंबर 5 लेकर आऊँगा, 2016 का पूरा सॉल्व पेपर आपके लिए लेकर आऊँगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, और मैं पीडीएफ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही चुका हूँ, तो उसे डाउनलोड करके आप उसको पढ़ भी सकते हैं। सेट नंबर 4 की पूरी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी इसमें, और आगे भी ऐसे ही पीडीएफ फाइल्स आपको मिलती रहेंगे। तो ऐसे पीडीएफ फाइल्स के लिए और वीडियो के लिए और ऐसे ही नोट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।